नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 9 बजे हुई चाकूबाजी की घटना के बाद मामला गर्मा गया और रात 11:30 बजे MB हॉस्पिटल में हंगामा हो गया। लोगों ने यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित के परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग उठा ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भारी झापटा के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन लोग मांगों पर अड़े रहे। आखिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को खदेड़ा। जानकारी के अनुसार रावजी आटा निवासी चेतन सिंह पंवार तालाजी गोराजी ने गुलाबबाग शहर वाली फाटक की तरफ बाइक पर जा रहा था और इसी दौरान हेलावाड़ी निवासी शोएब तेज गति से बाइक लेकर चेतन के सामने कट मार दिया। उसने इस बात पर दोनों के मध्य बहस हो गई। आवेश में आकर चेतन ने शोएब पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू कंधे में लगा और वहीं फंस गया। आरोपी फरार हो गया। रागीरों ने घायल को MB चिकित्सालय पहुंचाया। परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर शोएब का ऑपरेशन कर कंधे पर लगा चाकू भी निकाल दिया गया है। उसकी हालात जो है वो खतरे से बाहर बताई गई है। इस बीच शोएब के परिजन और समाजजन MB में जुटना शुरू हो गए और अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद मामला शांत हुआ। वहीं घटना के बाद हाथीपोल क्षेत्र के साथ ही ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर आक्रोशित युवाओं ने तोड़फोड़ कर एक बड़ा नुकसान लोगों का कर दिया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल परिसर के बाहर जो चेटक का रोड है उस पर जो गाड़ियां खड़ी थी, एम्बुलेंस वगैरह, उनके भी कांच तोड़ दिए गए। चेटक पर एक दुकान को भी इसका शिकार होना पड़ गया। वहीं हाथीपोल के जरिया बाजार में जो एक मार्केट है उसके सभी कांचों को तोड़ दिया गया। अब देखने वाला विषय यह है कि आने वाले समय में, क्योंकि घटनाएँ कभी रुकती नहीं है और अपराध जो होता है वो मानसिक विकृति की एक पहचान होती है, ऐसे में अब आने वाले समय में व्यापारियों को किन एहतियात के साथ उदयपुर शहर में व्यवसाय करना है ये भी एक नया सब्जेक्ट बन गया है। लेकिन आपको इसी बीच यह भी बता दें कि पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद वहां पर जो लोगों में खौफ व्याप्त हुआ उसको लेकर लोग इधर उधर भागे और जिसकी वजह से कई लोग जो ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे वे एकदम से वहाँ से भागने के चक्कर में नीचे गिर गए और कई लोगों का अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है जिनके हाथ और पैर टूटने की बात अब सामने आई है।